कैसे हो आप सभी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम लोग भी ठीक है, बस आप लोग इसी तरीके सपोर्ट करते रहिए। और अभी ना आज का जो ये ब्लॉग है, मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मनीषा यहाँ पे सोई है और इसको दवाई मैं दिला के लाई हूँ। तो इसको अभी आज ठीक लग रहा था, मतलब दवाई खाई ना तो ठीक है आज। और फिर बच्चे यहाँ पे बाहर जो है टीवी देख रहे हैं। और हाँ, आप लोग बोलते हैं ना कि कुछ नया दिखाइए, वीडियो में कुछ नया दिखाइए। तो जैसे कि मैं ना एक हाउसवाइफ हूँ, और मैं क्या नया दिखाऊँ, मतलब घर में मैं रहती हूँ तो घर का ही मैं कुछ, मतलब मैं दिखाऊँगी ना सारा कुछ जो है मैं घर का, मतलब मैं जो जो करती हूँ वही सब दिखाती हूँ। कहीं बाहर अगर किसी दिन जाती हूँ तो बाहर का ब्लॉग जो है मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और कल का जो मेरा ब्लॉग गया था उसमें एक कमेंट आया था कि तेरे बच्चे तेरा ही साथ नहीं देते, तू जॉब करेगी तेरे बच्चे ज़्यादा मोबाइल टीवी, इस तरीके से मतलब लंबा चौड़ा लिखा हुआ था। तो तेरे बच्चे इस तरीके से करेंगे तो अपने बच्चों को बर्तन धोवाओ, घर की साफ सफाई कराओ। गोलू को लेकर बोले थे कि उसको बर्तन धुलाओ, साफ सफाई कराओ। तो इस तरीके से ये वाला कमेंट मेरे में है, अभी आप लोग देख सकते हो जाके। मतलब कहना क्या चाहते हो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो यही है जो मतलब सब अपना अपना राय जो है देते हैं। और आप लोग बोलते हैं ना कि नया दिखाओ, तो नया मैं जैसे कि मैं दिखाई थी, जैसे आप मैं गई थी ना गाँव, खेत की रुपाई वाला जो है वो मेरे इस तरीके का वीडियो मैंने नए बनाया था। तो फिर वो नया ही हुआ, तो उस वीडियो में मुझे लगा था ना 8K 10K जो है व्यूज़ मेरे आएंगे, पर तो उतना उस वीडियो को ना सपोर्ट नहीं मिला। तो फिर कोई बात नहीं, मतलब नया तो यही होगा ना मेरे लिए। और नया मैं क्या दिखा सकती हूँ, अपना घर का रूटीन और वही जो मैं बनाती हूँ खाना वगैरह वही, और इससे ज़्यादा मैं क्या बनाऊँ, मतलब क्या नया दिखाऊँ। और घर की जो साफ़ सफाई होती है वही वही, मतलब साफ़ सफाई मैं डेली कितना दिखाऊं, इस वजह से ना मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। और डेली एक ही काम को रोज़ रोज़, मतलब लोग भी बोर हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं कुछ कुछ थोड़ा बहुत हल्का हल्का कुछ कुछ जो है मैं दिखाती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज ना बारिश सुबह आया था, मतलब कल रात भर आया था, सुबह तक आया था, फिर आज दिन भर बारिश नहीं आया तो गर्मी लग रहा है। शायद अभी शाम को बारिश आएगा। और अभी मनीषा बोल रही है ना कुछ इसको मतलब अच्छा खाने का मन कर रहा है, तीखा तीखा। तो मैं सोच रही हूँ ना मैं पकोड़े बनाऊँगी, तो जा रही हूँ मैं अभी पकोड़े, उसमें मिर्ची डाल के अच्छा और तीखा तीखा जो है इसको बना के देती हूँ। और कुछ चटनी भी बनाऊँगी इसके साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी देखिए मैं ना बना रही हूँ पकोड़े। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने आलू ना काट रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से लंबे लंबे मैंने काटा है, बहुत पतले पतले। तो इसके अभी मैं पकोड़े बनाऊँगी। तो इस तरीके से अभी मैं पतला पतला कट करके और फिर इसको जो है काटूँगी ऐसे करके। तो यहाँ पे अभी ये देखिए इस तरीके से, और मैं पानी में डालते जा रही हूँ क्योंकि ये ना काला ना पड़े। और इसमें दो प्याज भी ऐड करूँगी। तो चलिए अभी मैं इन सबको सारे को अभी काट लेती हूँ। और मैंने तीन आलू लिया है, यहाँ पे एक आलू है, यहाँ पे दो आलू, तीन आलू का मैं पकोड़े अभी बना रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो है मैंने ना सारा आलू को कट कर लिया है, और प्याज में ही मैंने इस तरीके से बड़े बड़े जो है कट कर लिया है। और यहाँ पे कुछ मिर्ची भी मैंने कट किया है, इसको ना ऐसे ही मैं फ्राई करूँगी। और ये वाली मिर्ची ना बहुत ज़्यादा तीखी है। मैं इसमें डाल देती हूँ बेसन, नमक टेस्ट के अनुसार डाल देती हूँ। हल्दी पाउडर, कुछ कुछ मसाले भी मैं डाल देती हूँ इसमें, जैसे कि हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, ये सब ऐड करके अभी मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ।
और ये देखिए मेरा ना यहाँ पे तेल भी गर्म हो रहा है। क्या देख रहा है ये, क्या देख रहा है? इसका नाम नहीं आता। क्या नाम है इसका? नाम नहीं आता। नाम नहीं पता तो फिर कैसे देख रहा है? हाँ, ये देख रहा है मूवी एक्सप्लेन ना। क्या मूवी एक्सप्लेन? यही सब देख रहा है ना। अभी कार्टून देख रहा था ना। बच्चा नहीं है क्या? है बड़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी ये देखिए मैंने इसको मिला लिया है और हमारा ये तेल भी गर्म हो गया है। तो बस अब मैं इसको पकोड़े को फ्राई कर लेती हूँ। इस तरीके से बड़े बड़े करके तो ये देखिए ये मस्त वाले जो है पकोड़े ये बनके तैयार है, पक गए अच्छी तरीके से। अब मैं इसको निकाल देती हूँ। तो ये देखिए लच्छे वाले आलू के पकोड़े और एक तो और भी है, ये दो बार और होगा। तो इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ, फिर जो है मिर्ची को फ्राई करूँगी। तो अभी मैं कपड़े भी धोई थी आज, तो ये सारे कपड़े सूख गए हैं आज। तो ये सारे कपड़े अभी मैं उठा देती हूँ। क्या हुआ? तो ये देखिए अभी सारे पकोड़े जो है बन गए हैं, तो अभी मैं दे देती हूँ बच्चों को। और अच्छा लग रहा है, मतलब ये लंबा लंबा बना है ना, अच्छा लग रहा है। और आलू भी अच्छी तरीके से पक गया है ये। और ये देखिए मिर्ची, उसको तीखी खाना है तो मैंने ये मिर्ची फ्राई कर दिया है। और इसमें भी वैसे मैंने मिर्ची डाला हुआ है और ये टमाटो केचप। तो बस अभी मैं मनीषा को दे दे, ठीक है? और इसके बाद हम लोग भी खा लेते हैं। अच्छा लग रहा है और कुरकुरे भी बना। और हाँ मेरे पास ना एक और कमेंट आया था कि एक साथ मतलब इतनी सारी सब्जी तुम बनाती हो तो बचत कैसे होगा। तो जैसे कि मैंने ना पहले बताई थी कि क्या होता है ना, जैसे मेरे घर में मतलब ताज़ा ताज़ा सब्जी रहता है ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ और अच्छा लगता है मुझे। तो बच्चों को तो ज़्यादा सब्जी नहीं पसंद है, उन लोगों को बस मतलब आलू, खाली आलू पसंद है उन लोगों को। कुछ जैसे कि परवल, कुंदरू वगैरह इस तरीके का रहता है ना, तो उसका ना मुझे भुंजिया बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपने लिए थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ, जब सब्ज़ी रहता है तब ताज़ा वाला सब्ज़ी, फिर नहीं तो फिर वही रेगुलर जो बनता है। तो ज़्यादातर मेरे घर में तो एक ही सब्ज़ी या चोखा वगैरह इस तरीके से बनता है, तो ज़्यादा सब्ज़ी मैं नहीं बनाती हूँ। मैं तो अपने घर मतलब मैं चाहती हूँ मेरा बचत हो, मैं एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना चाहती हूँ। तो यही है बस, अभी मैं पकोड़े खा लेती हूँ। और बहुत टेस्टी बना है ये पकोड़े जो है, तुमको कैसे लगा? और अभी मनीषा जो है सॉस नहीं खाई, तो वो मतलब ऐसे ही खाई मिर्ची के साथ, तो उसको भी अच्छा लगा। दूध का डिब्बा दे आना है ना अभी हमारे। तो यहाँ
यहाँ पे अभी ये देखिए, मैं ना ये हेयर क्रंचेस के लिए ना ये कपड़ा ले ही हूँ और इसको अभी मैं कट करूँगी। तो ये हेयर क्रंचेस जो है ना ये मैं 199 के मतलब 200 के 10 पीस देती हूँ और उसमें मेरा शिपिंग चार्ज भी लग जाता है, मतलब 100 रुपीज़ मेरा शिपिंग चार्ज लग जाता है अगर मतलब कोई 10 लेते हैं तो। पर उनके लिए महंगा हो गया, जैसे कि 200 रुपये का 10 तो ठीक है, वैसे क्वालिटी मेरे पास अच्छा रहता है हेयर क्रंचेस की, और उसके बाद जो है बड़ा बड़ा साइज रहता है और फिर उसमें ना मेरा और मेरा घाटा हो जाता है, क्योंकि 200 का 10 पीस होता है ना तो फिर मेरा 100 रुपये चल जाता है, तो इस हिसाब से 100 रुपये का मेरा 10 पीस होता है। तो इस तरीके से हेयर क्रंचेस मैं देती हूँ अगर कोई लेता है तो, वैसे बहुत कम लेते हैं। तो अभी ये देखिए ये कपड़ा मैं ली हूँ तो इसको अभी मैं कट कर दी थी। तो अगर आप लोग को चाहिए ना तो आप लोग मेरे से ऑर्डर कर सकते हैं, 200 रुपये का 10 पीस मिल जाएगा और बहुत अच्छा क्वालिटी है कपड़ा, मतलब अच्छा है। और अगर आप साड़ी के साथ लेते हो ना तो साड़ी के साथ भी आप ले सकते हो, और साड़ी भी मेरे पास है बहुत कम प्राइस में आपको साड़ी भी मिल जाएगा। तो कुछ भी अगर आपको चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप सब मेरे पास ना कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।